हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ सभी लोग सुखी होंगे, प्रसन्न होंगे, अच्छे से होंगे। तो जैसा कि हम लोग ने पिछले वीडियो में आपको ये बताया था कि IRT का फॉर्म यानी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड रूरल टेक्नोलॉजी प्रयागराज का फॉर्म आ चुका है और वो आप जा करके 2 अप्रैल से वो अवेलेबल है और आप जा करके उसको ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं, राइट? मैं अरविंद मिश्रा आज इसके ऊपर, इसका जो पेपर पैटर्न है, पेपर में जो क्वेश्चंस हैं, क्या सिलेबस है, उसके ऊपर जो मुख्यतः बातें हैं, जिन बच्चों को, जिन लोगों को डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग करनी है उनके लिए ये वीडियो बहुत ही काम का बनने वाला है। तो बने रहिए लास्ट तक, देखते रहिए क्या है IRT का फॉर्म, किस तरीके से इसका पैटर्न बनना है, इसकी हम बात करेंगे। देखिए, IRT में जो आपसे क्वेश्चन पूछने वाले हैं, जो टाइम लगने वाला है वो 3 आवर का, यानी जो टाइम की बात की जाए कि तो इसमें टाइम 3 आवर्स का, यानी ये 3 घंटे का पेपर होगा। ये जो पेपर होगा आपका, वो आपका 3 घंटे का पेपर होगा, यानी ये आपका 3 आवर का पेपर होगा, राइट? सबसे पहली बात तो ये कि आपका समय कितना लगने वाला है। नंबर दूसरा, इसमें जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है, यानी नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं, वो नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्वेश्चंस वो आपके 75 क्वेश्चंस हैं, यानी नंबर ऑफ क्वेश्चन इसके ऊपर 75 क्वेश्चंस का, ये जो पूरा पेपर आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन का जो पेपर होगा वो 75 क्वेश्चन का होगा। और इसके ऊपर जो मैक्सिमम मार्क्स हैं, मैक्सिमम मार्क्स वो आपका 300 है, यानी ये 300 मार्क्स का पेपर होगा, 75 मार्क्स का, राइट? दूसरा बात यह आता है, क्या इस पेपर में निगेटिव मार्किंग है? बहुत सारे बच्चे पूछते हैं क्या निगेटिव मार्किंग है। जी हाँ, इस पेपर में निगेटिव मार्किंग है, 1/4 की निगेटिव मार्किंग है। साफ साफ पता चला है, 75 क्वेश्चन 300 मार्क्स, यानी एक क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का बनता है, एक क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का बनता है, राइट? अब क्या होगा अगर किसी क्वेश्चन को आप गलत करते हैं? देखिए, अन अटेम्प्ट अलग चीज़ है और गलत करना अलग चीज़ है, ठीक है? अगर आप अन अटेम्प्ट में हैं, अगर आप अन अटेम्प्ट में हैं तो आपको जो मार्किंग मिलेगी वो 0 की मिलेगी। अगर आपने राइट कर रखा है, आपने जो मल्टीपल क्वेश्चन है उसको राइट कर रखा है, तो आपको 4 मार्क्स मिल जाएंगे, +4 मार्क्स मिल जाएंगे। पर अगर आपने अटेम्प्ट किया और वो क्वेश्चन आपसे गलत हो गया तो इसके लिए -1 मार्क्स मिलेगा, इसके लिए -1 मार्क्स मिलेगा। तो जरा सा इस चीज़ के लिए आप जरा सा बिल्कुल से ध्यान रखिएगा कि जो क्वेश्चन आपको सही तरीके से आते हों वही क्वेश्चन आपको करने हैं, राइट? तो ये बात आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गई। समय कितना लगना है? 3 घंटे का, यानी जो पेपर बनना है वो कितने घंटे का बनना है? वो 3 घंटे का बनना है पेपर, ठीक? यानी जो आपको घर में प्रैक्टिस करनी है वो 3 घंटे के लिए करनी है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आने हैं? नंबर ऑफ क्वेश्चन वहाँ पे 75 क्वेश्चंस आने हैं। मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं? मैक्सिमम मार्क्स वहाँ पे 300 मार्क्स का है, यानी एक क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का मिलेगा। अच्छा, राइट होने पे 4 मार्क्स, अन अटेम्प्ट यानी जो क्वेश्चन आपने छोड़ दिया या जो क्वेश्चन आपको नहीं बन रहा है उसके लिए 0 मार्क्स, और जहां पे आपने अटेम्प्ट किया बट आपने वहां पे गलत कर गए किसी भी वजह से, या फिल करने में OMR शीट फिल करने में आप गलत कर गए, तो वहां पे आपको -1 मार्क्स मिलेगा, राइट? चलो जल्दी से हम इसका पैटर्न देखते हैं कि किस पैटर्न पे क्वेश्चन बनने, क्या क्या सिलेबस इसका आ रहा है उसकी बात कर लेते हैं जरा सा। ये मैंने IRT का जो प्रॉस्पेक्टस 2022 का है उसको मैंने ओपन किया हुआ है, और इसमें हम बात करेंगे कि क्या क्या इसके सिलेबस में बनता है। स्टार्ट करते हैं हम मैथमेटिक्स से, मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री सिलेबस फॉर एंट्रेंस एग्जामिनेशन। मैथमेटिक्स में देखिए जो सिंपल चीज है वो है आपका, देखिए कुछ लॉजिकल क्वेश्चंस हैं, जैसे सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करेंगे, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करेंगे, वर्क टाइम एंड स्पीड टाइम, वर्क टाइम एंड स्पीड टाइम। जिन लोगों को नहीं दिख रहा होगा उन लोगों के लिए थोड़ा सा मैं इसको बड़ा करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है? अगर ये बड़ा हो जाता है तो ये आइए जरा सा जल्दी से। पहला अर्थमेटिक का पोर्शन है सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, दूसरा है वर्क टाइम एंड स्पीड टाइम, तीसरा बैंक डिपॉजिट एंड पेमेंट,
इन इंस्टॉलमेंट टैक्सेशन, जो सिंपल आपका चक्रवृद्धि का क्वेश्चन होता है, बाकी चीज़ों का क्वेश्चन होता है, प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन होता है, वो सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट है भी परसेंटेज प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, रेशियो, प्रोपोर्शन एंड मिक्सचर। ठीक है, जो आपका मिक्सचर के क्वेश्चन होते हैं, जहाँ पे दो पदार्थ आपस में जोड़े जाते हैं, घटाए जाते हैं, यौगिक के गुण होते हैं और समानुपाती के और अनुपात के क्वेश्चन, वो यहाँ पे आपसे पूछे जाते हैं। तो साधारण ब्याज है, चक्रवृद्धि ब्याज है, वर्क टाइम की बात कर रहे हैं, कार्य समय, चाल समय की बात कर रहे हैं, बैंकिंग के क्वेश्चन हैं, यह आपका अर्थमेटिक का पूरा सेक्शन बनेगा। ये पूरा का पूरा सेक्शन आपका अर्थमेटिक का बनेगा। बी में स्टेटिस्टिक्स, इम्पोर्टेंस ऑफ स्टेटिस्टिक्स, ठीक है, बाकी चीज़ें, डेटा फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, कॉम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। देखिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो है वो आपको आना चाहिए, ठीक है ना। फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन, फ्रिक्वेंसी कर्व, यानी जो टेंथ क्लास का आपने स्टेटिस्टिक्स पढ़ा होगा ना, नाइन टेंथ का सारा यहाँ पे कवर कर रहा है। ऑल इन ऑल सेंट्रल टेंडेंसी की बात कर रहा है, सेंट्रल टेंडेंसी में मीन, मोड और मीडियन, ठीक है, इन तीनों के ऊपर आप क्वेश्चन जरूर से जरूर कर लीजिएगा। ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट बनते हैं, मीन, मोड और मीडियन। मेजर्स ऑफ डिस्पर्शंस, रेंज, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस, और इसके ऊपर भी क्वेश्चन बनते हैं, राइट। नेक्स्ट आपका सेक्शन बनता है, वो बनता है एलजेब्रा का। नेक्स्ट सेक्शन आपका बनता है, वो बनता है आपका किसका, एलजेब्रा का। क्या क्या एलजेब्रा में क्वेश्चन बनते हैं देखिए जरा सा। नंबर सिस्टम की बात करते हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, इवन नंबर, ऑड नंबर, रेशनलाइजेशन, रेशनल नंबर, रियल नंबर, प्राइम नंबर यानी ट्विन प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सारा का सारा आपके ऊपर बनता है नंबर सिस्टम पे। लॉ ऑफ इंडेसेस, सर्ट्स एंड सिंप्लीफिकेशन, मैंने क्या बोला था, मैंने यही बोला था ना कि टेंथ के जितने भी एग्जाम हैं वो 6, 7, 8, 9 इनका भी सिलेबस लेकर के चलते हैं, वही चीज दिख रही है यहाँ पे आपको। अगला है स्क्वायर रूट्स एंड क्यूब रूट्स, स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट्स, लॉगरिथमिक डिफिनिशन, नाइन्थ क्लास में आईएससी बोर्ड में लॉग है वहाँ पढ़ाया जाता है, ठीक है, लघुगणक कहते हैं, ठीक है, आपने यूपी बोर्ड में पढ़ा होगा। लॉज एंड देयर एप्लीकेशन, लॉग के ऊपर सारे के सारे क्वेश्चन बनते हैं। फैक्टर एक्सप्रेशन है इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंस टू स्क्वायर ट्राइनोमियल्स, ठीक है, तो एक पॉलिनोमियल आता है बहुपद एक चैप्टर, तो उसको पूरा का पूरा आपको देखना पड़ता है। एलसीएम एससीएफ बाय फैक्टराइजेशन, एलसीएम एससीएफ के क्वेश्चन छोटे छोटे देख लीजिएगा। लीनियर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रेखीय और द्विघात समीकरण, इसके ऊपर जो क्वेश्चन बनते हैं वो देख लीजिएगा। सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन, यानी जो संगत समीकरण बनते हैं उनको आपको दो वेरिएबल में, थ्री वेरिएबल में उनको सॉल्व करना आना चाहिए, ठीक है। और सेट थ्योरी, पूरा का पूरा सेट थ्योरी दिया हुआ है। सेट थ्योरी ऐसे तो जाकर के 11th में देखा जाता है, बट अदर बोर्ड्स में जो है वो 9th-10th में भी थोड़ा बहुत है, ठीक है। तो डिफरेंस का है, इसमें एक बहुत अच्छा रूल है डी मॉर्गन ला, तो जरा सा डी मॉर्गन का नियम ये जरूर से देख लीजिएगा। मैपिंग है, इनटू मैपिंग, ऑनटू मैपिंग, वन वन मैपिंग एंड मेनी वन मैपिंग, ये सारी चीज़ें आपके मैथ्स को कवर करती हैं। 9 तक के पॉइंट हो चुके 10 तक के। नेक्स्ट सेक्शन आपका बनता है ट्रिग्नोमेट्री, नेक्स्ट सेक्शन आपका बनता है ट्रिग्नोमेट्री। देखिए ट्रिग्नोमेट्री में क्या है, एंगल्स है सीधा सीधा, सर्कुलर मेजर्स में जो एंगल्स आपके आते हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, इस पे वैल्यू साइन की, कॉस की, टैन की, कोसेक की, कॉट की और जो है सेक की, राइट। तो ज्या, कोज्या, स्पर्शज्या, इन सब की वैल्यूज आप देख लीजिएगा और उनका जो डिस्ट्रीब्यूशंस है, उनका जो डिस्ट्रीब्यूशंस है वो भी देख लीजिएगा 90 प्लस पे, 180 प्लस पे, 270 प्लस पे और 360 प्लस पे, यानी एंगल का ट्रांसफॉर्मेशन या स्थानांतरण इसको कहा जाता है, वो जरूर देख लीजिएगा। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस हैं, साइन, कोसाइन, टेंजेंट, इन सब की बात करेंगे। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन की बात करेंगे, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के ऊपर बात कर रखी है। प्रोडक्ट ऑफ साइन एंड कोसाइन इन डिफरेंस फॉर्म, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो एंड मल्टीपल सब मल्टीपल एंगल्स, हाफ एंगल्स, वन थर्ड एंगल्स, ट्रिपल एंगल्स और डबल एंगल्स, इसके ऊपर बात होगी। और इसका एक एक पोर्शन है हाइट एंड डिस्टेंस का, ऊंचाई तथा दूरी, इसको त्रिकोणमिति के यानी ट्रिग्नोमेट्री के एप्लीकेशन यानी त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग में पढ़ाया जाता है। तो कोशिश करिएगा कि इसके क्वेश्चन जरूर से जरूर देख लीजिए, इसके ऊपर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। और गेड्रेक्स ने बहुत सारे वीडियोस इसके ऊपर बना रखे हैं, तो आप इसको जा करके देख सकते हैं 10th क्लास के लिए। ज्योमेट्री में क्या क्या है, पाइथागोरस थ्योरम है, एक्सटेंशन है, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन
द स्क्वायर्स ऑफ वन साइड ऑफ द ट्रायंगल इक्वल एंड स्मॉलर देन द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू ट्रायंगल बिटवीन दीज टू साइड्स. ये सारी चीजें ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज और या राइट एंगल, एक्यूट एंगल और ऑब्ट्यूज एंगल, उनकी सारी प्रॉपर्टीज. राइट, एक यहाँ पे एक नया टर्म आया अपोलिनियन थ्योरम, अपोलिनियस थ्योरम. ठीक है, द सम ऑफ स्क्वायर्स कंटेंट ऑफ द टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल हाफ ऑफ द थर्ड साइड एंड मीडियन बाइसेक्टिंग बाई दिस साइड. अपोलिनियस थ्योरम ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन जरूर बनते हैं. ठीक है, इनके ऊपर क्वेश्चन जरूर बनते हैं. देखिए सबसे पहला काम, सबसे पहला काम सिलेबस जरूर से जरूर देख लीजिएगा. अगर किसी बच्चे को ज़रूरत होगी तो, या किसी को ज़रूरत होगी तो वो मेरे से बोलिएगा, मैं इसका PDF भी भेज दूंगा. अदरवाइज IRT की साइट्स पे ये अवेलेबल है. ठीक है, तो वहाँ पे जा करके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं. मेरा काम सिर्फ यहाँ पे एनालिसिस करने का है. ठीक है, क्या क्या आगे बात हो रही है देखिए जरा सा. सर्कल्स लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ द सर्किल मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड एट राइट एंगल टू इट. जो दो थ्योरम है 10th क्लास में वो सर्किल के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट है, वो दोनों थ्योरम दे रखी है. ठीक है, इसके बाद सर्किल में और क्या है, सब सेगमेंट्स, सेगमेंट और सेक्टर, इन दोनों के ऊपर जो क्वेश्चंस बनते हैं उसके ऊपर जरूर देख लीजिएगा. इक्वल कॉर्ड्स, कॉर्ड्स यानी वही बात हो जाती है कि कॉर्ड्स के ऊपर जो क्वेश्चन बनते हैं, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ इक्वल सर्किल कंटेंट द इक्वल एरिया, इनके ऊपर जो थ्योरम बनती है, अप्लीकेशंस बनते हैं वो देख लीजिएगा. ठीक है, द एंगल सबटेंड एट द सेंटर ऑफ द सर्किल ऑफ द एरिया ट्वाइस द एंगल सबटेंड एट द पेरीमीटर. राइट, आपको सबको पता है सर्कम पे जो भी एंगल बनता है और जो सेंटर पे एंगल बनता है उसका ये सेंटर पे बनने वाला एंगल डबल होता है. राइट, तो जरा सा ये इस तरह के जो क्वेश्चन होंगे, जो 9th-10th के क्वेश्चन होंगे, ये जरूर देख लीजिएगा. ठीक है, एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ द प्लेन फिगर, एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ द प्लेन फिगर नेक्स्ट सेक्शन आपका बनता है. इसमें जरूर से जरूर देखिए, जो एरिया आना है वो आपका किसका किसका आना है, रोम्बस का, स्क्वायर का, रेक्टेंगल का, ट्रायंगल का. ठीक है, तो आप सबने हीरोन्स फार्मूला बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रखा है, रोम्बस का और ट्रेपेजियम का फार्मूला पढ़ रखा है, रेक्टेंगल का फार्मूला पढ़ रखा है, तो वो सारे फार्मूले जरूर से जरूर रिवाइज कर लीजिएगा. नेक्स्ट सेक्शन इंपॉर्टेंट है मेंसुरेशन. मेंसुरेशन में क्यूब है, क्यूबाइड है, स्पेयर है, कोन है और सिलेंडर है. राइट, तो इसका सरफेस एंड वॉल्यूम, यानी इन सभी का सरफेस एंड वॉल्यूम, यहाँ पे प्रूफ की जरूरत नहीं है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन पार्ट की जरूरत ये कह रहे हैं, तो वो जरूर देख लीजिएगा. नेक्स्ट है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. क्या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आ रहा है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आ रहा है डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, सेक्शन फार्मूला की बात कर रहे हैं, सेंट्रॉइड, सर्कम सेंटर, इन सेंटर, क्वाड्रेटरल, कोलिनियर पॉइंट्स, इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन इन डिफरेंट फॉर्म. ये जरा सा ध्यान दीजिएगा, इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन, जरा सा इस सेक्शन को देखिएगा, इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन इन डिफरेंट फॉर्म, यानी 11th का ये एक पोर्शन थोड़ा सा टच कर रहा है, जहाँ पे चूंकि आप लीनियर इक्वेशन से फेमिलियर हो, है ना, तो आप जाकर के एक बार पढ़ोगे तो ये जरूर से जरूर बनने लगेगा. लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, पैरेलल एंड परपेंडिकुलर लाइंस, ये देख लीजिएगा, यानी सब मिला के स्ट्रेट लाइंस का पूरा सेक्शन देख लीजिएगा. बाइसेक्टर्स ऑफ द एंगल, ये जरूर देख लीजिएगा, बिटवीन टू गिवन लाइंस एंड कॉन्करेंट लाइंस, यानी संगामी रेखाएं. ठीक है, ये देख लीजिएगा, जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं, ठीक है, उनको अगर दिक्कत होती तो वो मेरे से बाद में जो है जा करके पूछ सकते हैं वो सारी चीज़ें. ठीक है, देखिएगा जरा सा. चलिए नेक्स्ट आपका फिजिक्स का सेक्शन है, मैं बोलता जा रहा हूँ आप देखते जाइए, नोट करते जाइएगा. मेजरमेंट है, मेजरमेंट में फंडामेंटल यूनिट्स है, SI सिस्टम, CGS सिस्टम के ऊपर बात कर रखे हैं. स्मॉल लेंथ मेजर करने के लिए वर्नियर कैलिपर्स, स्क्रू ग्रेज, जो आपका वहाँ पे एप्लीकेशन पार्ट है वो जरूर से जरूर देख लीजिएगा अगर आपको ना दिख रहा हो. ठीक है, दूसरा काइनेमैटिक्स है, काइनेमैटिक्स में स्पीड, वेलोसिटी का, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट का, एडिशन ऑफ वेक्टर्स का, यानी वेक्टर्स जरूर वहाँ पे थोड़ा सा हल्का फुल्का आइडिया होना चाहिए. एक्सेलरेशन, इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी, ये स्ट्रेट लाइन का सिलेबस बनता है. नेक्स्ट मैकेनिक्स, मैकेनिक्स में लॉज ऑफ मोशन और मोमेंट ऑफ फोर्स. लॉज ऑफ मोशन में न्यूटन्स लॉज हैं, मोमेंट ऑफ फोर्स है, मोमेंटम ऑफ द फोर्स में जो है प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स, इक्विलिब्रियम, बॉडी अंडर द सिस्टम ऑफ द पैरेलल फोर्सेस, ये सारी चीज़ देखनी है. नेक्स्ट है आपका वर्क पावर एंड एनर्जी, वर्क पावर एंड एनर्जी, जिन लोगों को नहीं दिख रहा होगा उनके लिए मैं थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ, वर्क पावर एंड एनर्जी ये देख लीजिएगा.
ये भी आपका पूरा का पूरा 10th कवर कर रहा है, हल्का फुल्का जो है वो टच कर रहा है 11th। हाइड्रोस्टेटिस जो लिक्विड है, जो प्रेशर इन लिक्विड्स है, डिपेंडेंस ऑफ द डेंसिटी डेप्थ उनके ऊपर क्वेश्चन है, थर्स्ट के ऊपर क्वेश्चन है, ठीक है ना। बहुत बढ़िया चैप्टर होता है, मज़ेदार होता है। नेक्स्ट है वाइब्रेशन, पीरियोडिक मोशन, टाइम पीरियड, फ्रिक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, कैरेक्टरिस्टिक्स, ये जरा सा देख लीजिएगा। साउंड की बात कर रहे हैं, वेव मोशन एंड साउंड इसकी भी बात कर रहे हैं। लाइट्स इसमें आएगा, इंफ्रारेड रेडिएशंस आएगा, सोर्सेस ऑफ द रेडियो वेव्स ये जरूर देख लीजिएगा, हीट काइनेटिक्स थ्योरी ऑफ द मैटर, वन बाय वन आप कवर करते जाइएगा, वन बाय वन सारी चीज़ें होती जाएंगी। क्या है काइनेमेटिक्स में, काइनेमेटिक्स मॉडल ऑफ द गैसेस, थर्मल एक्सपेंशंस है, थर्मल एनर्जी है और थर्मल रेडिएशन है, ये चारों सेक्शन आपको देखने हैं। लाइट में क्या क्या है, जो फैक्ट्स हैं लाइट के, लाइट्स का जो इंट्रोडक्शन पार्ट है वो देखना है, रिफ्लेक्शन देखना है, रिफ्रैक्शन देखना है, लेंसेस की बात जरूर कर लीजिएगा, लेंसेस में देख लीजिएगा, डायोप्टर के थ्रू जो है वो जरूर देख लीजिएगा, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है, जैसे आई साइट्स है, कैसे ये वर्क करती है, किस तरीके से कलर सेंस करती है, बाकी सारी चीज़ें आप हर हालत में यहाँ पे देख करके जाइएगा एग्जाम देने, ठीक है। नेक्स्ट इनका इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बाद इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एटॉमिक मॉडल्स वगैरह हैं, पॉजिटिव चार्जेस की बात कर रखी है, ठीक है, इंडक्शंस की बात कर रखी है। नेक्स्ट इलेक्ट्रिसिटी सिंपल सर्किट्स की बात कर रखी है, सेल है, ओम्स लॉ है, रेजिस्टेंस है, तो केवीएल लॉ, केसीएल लॉ, ये थोड़ा बहुत हल्का फुल्का आइडिया होना चाहिए, पैरेलल कॉम्बिनेशंस और सीरीज कॉम्बिनेशन का हल्का फुल्का आइडिया होना चाहिए। नेक्स्ट आपका केमिस्ट्री का सेक्शन है, जनरल एंड फिजिकल केमिस्ट्री, इसमें केमिस्ट्री सेक्शन में पूछा जाने वाला है, ठीक है। साइंस एंड साइंटिफिक मेथड, केमिस्ट्री की ब्रांचेज क्या क्या है, मैटर्स की बात हो रही है, एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस की बात कर रहे हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर, बैलेंसिंग, इलेक्ट्रो बैलेंसिंग एंड को बैलेंसिंग, राइट। तो केमिकल इक्वेशंस और बैलेंसिंग ऑफ द केमिकल इक्वेशंस ये बात हो रही है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे जो बन रहा है वो बन रहा है गैस लॉस, यहाँ पे जो बन रहा है वो आपका बन रहा है यहाँ पे गैस लॉस, बायल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गैस इक्वेशन, गैलुसॉक लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम, डाल्टन्स, एवोगैड्रो एप्थिस एंड हाइपोथेसिस एंड इट्स इम्पोर्टेंस, राइट। नेक्स्ट एटॉमिक वेट, मॉलिकुलर वेट, इक्विवेलेंट वेट, ये देखना है, फैराडेज लॉ, ये इंपॉर्टेंट है, फैराडेज लॉ रियली, ठीक है, तो इसको जरूर से जरूर देख लीजिएगा। डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस, जो केमिकल रिएक्शंस हैं उसके बारे में बेसिक आइडिया होना चाहिए, एक्सप्लेनेशन ऑफ द सॉल्यूशंस, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, राइट, ये बात होनी चाहिए। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सेक्शन है सबसे लास्ट, ये जरा सा देखते हैं क्या क्या है इसमें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट, जो वो आपने पीरियोडिक टेबल पढ़ रखा होगा उसमें क्लासिफिकेशन, जनरल क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया क्या है वो सारी चीज़ें आनी चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन उनके निकालने आने चाहिए, ड्रिंकिंग वाटर एंड वॉल्यूमेट्रिक कंपोजिशन ऑफ द वाटर ये पता होना चाहिए, हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर क्या है, वाटर के बारे में पूरी सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, लेबोरेटरी मेथड ऑफ द प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज इनके बारे में, ऑफ द फॉलोइंग गैसेस, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, अमोनिया, हाइड्रोजन, क्लोराइड, डिफरेंस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ये जो बेसिक प्रॉपर्टीज है ना पीरियोडिक टेबल की वो बहुत अच्छे से आइडिया होनी चाहिए। लास्ट आपका वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और ये लास्ट है आपका, देखिए इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्या है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, किस तरीके से कार्बन चलते हैं, किस तरीके से हाइड्रोजन चलते हैं, वो सारी चीज़ें हैं। क्लासिफिकेशन एंड नॉमिनक्लेचर ऑफ द हाइड्रो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मेथड्स ऑफ द प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ पैराफिन्स, राइट, मेथेन एंड एथेन इनकी बात कर रहा है, सिंपल इंट्रोडक्शन ऑफ द प्लास्टिक, आर्टिफिशियल फाइबर्स, मेडिसिन, एक्सप्लोसिव्स, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है, न्यूमेरिकल इन सबके ऊपर, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, परसेंटेज कंपोजिशन, इक्विवेलेंट वेट, वैलेंसी, मॉलिकुलर वेट, ठीक है, ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन एंड गैसेस इक्वेशन, ये सारा का सारा सिलेबस है, वन बाय वन इसका एक इंडेक्स बनाइए, एक एक पे टिक मारते जाइए, एक एक पे नोट्स बनाते जाइए, इसको तैयार करते जाइए, ठीक है, वन बाय वन, तो ये आपका जल्दी से कंप्लीट हो जाएगा। तो ये मैंने आपको पूरा का पूरा सेक्शन यहाँ पे डिस्कस किया, एक जनरल वो बताया कि किस तरीके का पेपर बन सकता है, कुल कितने क्वेश्चंस आने हैं, क्या निगेटिव मार्किंग रहेगी या नहीं रहेगी, कितना किस तरीके से पेपर अटेम्प्ट करना, देखिए पेपर अटेम्प्ट करने के ऊपर एक और वीडियो बना दिया जाएगा कि किस तरीके से पेपर वहाँ पे अटेम्प्ट करना ठीक रहता है, क्या एडवाइस रहती है, बट ये जो सिलेबस है ना, सबसे पहला काम करिए कि एक ये सिलेबस ले आकर के एक पेज में लिखिए या उसका फोटो स्टेट करा लीजिए
और उस पर 3 कॉलम बनाइए, जैसे फर्स्ट राउंड नोट्स बन गया, सेकंड राउंड इनका एप्लीकेशन सीख लिया, थर्ड राउंड इसको रिवाइज कर लिया, ठीक है। और प्रीवियस पेपर, प्रीवियस ईयर के पेपर्स जरूर देख करके जाइएगा, तो वो आपके बहुत काम के होंगे। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जनरली मैं बोलता बहुत कम हूँ इस चीज़ के लिए, बट स्टिल हाँ ये बोलना पड़ रहा है, क्योंकि ये बात और बाकी बच्चों तक पहुँचनी चाहिए, जिसके लिए जो है मैं यहाँ पे अवेलेबल हूँ, राइट। तो थैंक यू वेरी मच। आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।